अब स्टार्ट करते हैं बाइनो हार्मोनिक सीरीज। बाइनो हार्मोनिक सीरीज तो नाम से ही क्लियर है, बाइनोमियल कोफिशियंट्स के साथ क्या चलेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको हम बोलते हैं बाइनो हार्मोनिक सीरीज। अब इस सीरीज को भी हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी इसको हम प्रूव भी कर लेंगे, और दूसरा है इंटीग्रेशन। जैसे बाइनो अरिथमेटिक जो था वो भी दो मेथड से हम ऐड कर सकते थे। एक तो क्या था, जो हमारा फॉर्मूला था आर एन सी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दूसरा क्या था डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर हार्मोनिक है तो यहाँ पे या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। अब दोनों मेथड देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला देखो, अगर एन सी आर वन अपॉन आर प्लस वन है, ठीक है, ये आर प्लस वन है, ये आर है, ये एन है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, एड होके एन प्लस वन सी आर प्लस वन। वहां पर माइनस वन माइनस हो रहा था, यहाँ पे वन एड हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले वन अपॉन आर प्लस वन एन टाइम सी आर, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन, तो एज इट इज आ जाएगा, इनटू ये होगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन इनटू आर फैक्टोरियल, है ना, राइट, आर प्लस वन फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो अपना हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब एक काम करते हैं, यहीं पे हम राइट हैंड साइड पे देख लें। राइट हैंड साइड क्या है अपना, वन अपॉन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो एज इट इज रहेगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन जो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो याद है तुम्हें, ये एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये एन प्लस वन है, तो ये लिखूंगा मैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज सी जीरो मीन वही एन सी जीरो वन अपॉन टू एन सी वन प्लस वन अपॉन थ्री एन सी थ्री अप टू प्लस ये टू आएगा ना, अब तो कहां तक, वन अपॉन एन प्लस वन एन सी एन। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन, ये तो किसमें चल रहा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, वन वन बाय टू वन बाय थ्री अप टू वन बाय एन प्लस वन, ये सीरीज किसमें चल रही है, एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, तो हो गया बाइनो हार्मोनिक सीरीज। अब इसका सम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जनरल टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसका अगर जनरल टर्म अगर हम लिखें तो एच पी की जो जनरल टर्म आएगी आर प्लस वन एन सी आर, क्योंकि आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहां तक जा रहा है, एन तक, तो यहाँ आर जीरो रखो वन आ जाएगा, तो एक्चुअली क्या है, इसके अपॉन में वन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन है। तो ये जो है इस सीरीज को मैंने ऐसा लिख दिया, ये जो सीरीज है इसको समेशन फॉर्म में ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये देखो, ये तो यही वाला फॉर्मूला हो गया अपना, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन,
वन अपॉन एन प्लस वन तो बाहर आ जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये देखो आर यहाँ पे तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इफेक्टिवली आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू सॉरी आर जीरो रखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से ही है, मीन जीरो वाली टर्म इसमें क्या है, मिसिंग है। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, अगर ये जीरो से स्टार्ट होता तो एन प्लस वन सी जीरो, एन प्लस वन सी वन, प्लस एन प्लस टू वन सी टू एंड सो ऑन, क्या था टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन माइनस, लेकिन जीरो वाली जो है तब मिसिंग है, कौन सी वाली एन प्लस वन सी जीरो वाली टर्म। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां से, या फिर यही लिख देते हैं टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, ये तो वन आ जाएगा तो माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम क्या आएगा, टू रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। ये चाहे तो अलग से लिख के देख लेते हैं, ये जो सीरीज होगी एक्चुअली क्या होगा, मैं सीरीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सीरीज जो है अल्टीमेटली है क्या एन प्लस वन सी वन, एन प्लस वन सी टू, एन प्लस वन सी थ्री, अब तो कहां तक है एन प्लस वन सी एन प्लस वन, देखो आर की जगह एन रखोगे ना। अब ये जो सीरीज है ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, तो एन प्लस वन सी जीरो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो एन प्लस वन सी जीरो मैंने माइनस भी कर दिया। तो ये जो है ये सम तो हमें पता है सी जीरो सी वन सी टू अपू सी एन प्लस वन जो है इस पर डिपेंड करेगा, तो क्या होगा टू रेस्ट टू पावर एन प्लस वन ये तो, और माइनस एन प्लस वन सी जीरो क्या होता है वन, ये याद है ना, ये तो वैल्यू निकाल के देख लो ये जो है वन आएगा, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन में एन प्लस वन तो आएगी, ओके इसको सॉल्व नोट कर लो। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लें, तो जनरल टर्म के लिए क्या आएगा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है, और माइनस वन की पावर आर, माइनस वन की पावर आर, ठीक है। आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर जीरो से लेकर कहां तक जाएगा एन तक, तो ये तो हमने क्या किया इसकी जनरल टर्म लिख ली, क्योंकि सम फाइंड आउट करने के लिए पहले उसको जनरल टर्म तो लिखना ही पड़ेगा, फिर देख लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहां पे देखें अगर हम ये इफेक्टिवली है क्या, दिस इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन वन अपॉन एन प्लस वन, क्या होगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस वन की पावर आर, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन तो बाहर आ जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस वन की पावर आर। अब हम देखते हैं यहां पे इफेक्टिवली ये जो सीरीज है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये जो सीरीज है इसको देखो, तो ये वन अपॉन एन प्लस वन ये तो एज इट इज रहेगा, ये जो है इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, तो एक्चुअली है क्या ये एन प्लस वन सी, क्योंकि आर क्या रखूंगा जीरो रखूंगा वन, माइनस एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री माइनस एन प्लस वन सी फोर प्लस माइनस अल्टरनेट, फिर क्या होगा
आर की जगह क्या रखूंगा, एन, तो माइनस वन की पावर एन, एन प्लस वन सी, एन प्लस वन। ये देखो ये जो सीरीज है, अब इस सीरीज को देखो, यहां से अगर हम माइनस कॉमन, पहले तो क्या करें, इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, एन प्लस वन सी जीरो माइनस एन प्लस वन सी वन, सॉरी एन प्लस वन सी जीरो प्लस एन प्लस वन सी वन माइनस एन प्लस वन सी टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री एंड सो ऑन। कहां तक ये माइनस वन रेस टू पावर एन प्लस वन सी एन प्लस वन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ ताकि माइनस प्लस चलता रहे। अगर माइनस किया है वो वाली टर्म तो ये टर्म ऐड भी करना पड़ेगी, कौन सी, एन प्लस वन सी जीरो वाली, ये और वो कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये देखो, हाँ माइनस वन रेस टू द पावर क्या आएगा, यहाँ पे वो तो लिखा ही नहीं हमने, प्लस माइनस वन रेस टू द पावर क्या आएगा, एन। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी जीरो माइनस एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू माइनस एन प्लस वन सी थ्री प्लस माइनस एन सो ऑन, माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन सी एन प्लस वन प्लस, ये तो बाहर ही रहेगा, एन प्लस वन सी जीरो, ठीक है। अब ये देखो, यहां पर देखो, हम x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस वन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो है ये क्या है, माइनस समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू n प्लस वन एन प्लस वन सी आर माइनस वन की पावर r, ये है इफेक्टिवली देखो ये जो है, और वो प्लस एन प्लस वन सी जीरो वो तो रहेगा ही। तो देखो एन प्लस वन सी आर माइनस वन की पावर आर, एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको, माइनस वन रखना पड़ेगा, एक्स की जगह माइनस वन रखूंगा और पावर क्या आएगा, एन प्लस वन आएगा, ठीक है। किसमें रखना हमें, ये वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस वन है, एक्चुअली एन प्लस वन है ना, ये एक्स की जगह माइनस वन रखो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये क्या है वन, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, वन अपॉन एन प्लस वन, दिस विल बी द आंसर। इस सीरीज का सम फाइंड आउट करते हैं, एन सी जीरो अपॉन वन इंटू टू प्लस एन सी वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस एन सी टू थ्री इंटू फोर एंड सो ऑन अप टू एन सी एन एन प्लस वन इंटू एन प्लस। तो यहाँ पे इसका सम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल वी डू, पहले तो क्या करें, इसको समेशन फॉर्म में लिख दें। तो समेशन फॉर्म क्या आएगा, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, ऊपर तो आ गया एन सी आर, यहाँ जाएगा आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, आर जीरो से स्टार्ट करोगे तो वन इंटू टू आना चाहिए, ठीक है ओके। ये तो हमने इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करें, यहां देखो प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पे, तो क्या आएगा, वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो मैं बाहर ही ले लेता हूं, R इज इक्वल टू जीरो टू n, ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन आर प्लस टू, ये R है R प्लस वन है। फिर क्या होगा, देखो ये R प्लस वन है ये R प्लस टू है, फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी, R प्लस वन है R प्लस टू एक ज्यादा है ना, तो अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन तो था ही, अब एक और एड होके अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस टू, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन,
फिर इनमें एक एक ऐड हो जाएगा, एन प्लस टू सी आर प्लस टू। ठीक है, देखो यहां पे, देखो ठीक है, पहले यहां पे देख लो, ये आर है या आर प्लस वन है, तो अपॉन में एन प्लस वन बाहर आ जाता है, इसमें वन ऐड हो गया और इनमें क्या वन वन ऐड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर कंजुगेटिव आ गया ना, ये आर प्लस वन है, ये आर प्लस टू है, तो यहाँ पे भी वन ऐड होके अपॉन में आ जाएगा, वन ऐड होके अपॉन में आ गया और फिर क्या इनमें वन वन ऐड हो जाता है। ठीक, ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन एन प्लस टू। ये जो है सम, ये सम जो है इफेक्टिवली कहां से स्टार्ट हो रहा है, टू से। देखो इस सम को हम अलग से यहां फाइंड आउट कर लेते हैं, ये सम एक्चुअली है क्या, पहले क्या रखें, जीरो रखें, तो एन प्लस टू सी टू, एन प्लस टू सी थ्री, अब तो कहां था कि ये एन प्लस टू सी एन, आर की जगह एन रखो तो एन प्लस टू। तो यहां पर देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसमें n प्लस टू सी जीरो प्लस एन प्लस टू सी वन यह ऐड किया है मैंने इस सीरीज में, n प्लस टू सी टू, एन प्लस टू सी थ्री, अब तो कहां तक, n प्लस टू सी एन प्लस टू तक, और माइनस भी करना पड़ेगा अगर ऐड किया है तो, क्योंकि ये तभी तो इक्वल होगा ना, n प्लस टू सी जीरो प्लस एन प्लस टू सी वन, ये दो टर्म मैंने ऐड भी कर दी और दो टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दी, तो ये जो सीरीज है कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर कहां तक, एन प्लस टू तक, तो ये हो जाएगा अपना टू रेस्ट टू दी पावर एन प्लस टू माइनस ये क्या आएगा, एन प्लस टू सी जीरो वन प्लस एन प्लस टू सी वन, ये हो जाएगा एन प्लस टू। तो ये जो वैल्यू है अपनी, इफेक्टिवली ये वैल्यू क्या आ गई अपनी, टू रेस्ट टू दी पावर एन प्लस टू माइनस एन प्लस, तो एन माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, माइनस एन माइनस थ्री। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज का जो सम है वो क्या आ जाएगा, टू रेस टू द पावर एन प्लस टू माइनस एन माइनस थ्री अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, अगर दो बार भी है, अगर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उसको क्या दो बार प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे बाइनो अरिथमेटिक में हमने किया था, दो बार टर्म प्रोडक्ट में थी तो वहां पे हमने क्या किया था, दो बार प्रॉपर्टी लगाई थी, द सेम वे। लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, फॉर्मूला याद है ना, जस्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, दैट्स इट। अब हम इसको जो है कुछ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टू एन सी जीरो प्लस टू एन सी वन अपॉन टू प्लस टू एन सी टू अपॉन थ्री अप टू टू एन सी टू एन अपॉन टू एन प्लस वन। इसको हम बाइनो हार्मोनिक वाला जो फॉर्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेशन से देख लेते हैं, बाइनो हार्मोनिक से तो सॉल्व हो ही जाएगा, एक बार इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर, या क्या टू एन है तो टू एन का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, वहां पे एन था तो वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन का एक्सपेंशन लिखा था, यहाँ वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर टू एन का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। ये जो टर्म है उससे डिसाइड होगा कि हमें यहाँ पावर क्या रखना है। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा क्या होगा, टू एन सी जीरो प्लस टू एन सी वन एक्स प्लस टू एन सी टू एक्स स्क्वायर टू एन सी टू एन एक्स टू दी पावर टू एन, ये होगा। अब देखो, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं, लिमिट हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं इनका, तो क्या होगा, वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर 2n plus 1 upon 2n plus 1 that is equal to 2n c0 x plus
2n c1 x square by 2 plus 2n c2 x cube by 3. अब तो कहां तक है ये 2n c 2n x to the power 2n plus 1 upon 2n plus 1. अब देखो सब में x आ रहा है, तो ये जो है इंटीग्रल, ठीक है, हम कहां से कहां तक इनको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, तो ये सीरीज आ जाएगी. चलो वो देखो, x की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और x के जो 0 रख दे, तो ये सब टर्म हट जाएगी. तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें हम, 0 टू 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 टू 1, इसको भी x के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया. तो अब क्या करें, यहां भी लिमिट रख दें हम, क्या करें, 0 टू 1, और इसमें भी लिमिट रख दें हम 0 टू 1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 1 रखोगे तो 2 रेस्ट टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 0 रखो तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखूंगा तो अपना आरएचएस ही आ जाएगा, देखो 2n c0 प्लस 2n c1 अपॉन 2 2n c 2n अपॉन n प्लस 1 माइनस, अब 0 रखूंगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखूंगा तो अपना जो आरएचएस है वो देखो वही चाहिए हमें, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1. यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट कहां से कहां तक हमें रखना है, ठीक है. तो अभी हमने बाइनो अरिथमेटिक सीरीज देखी, बाइनो हार्मोनिक सीरीज देखी, ठीक है, वो जो सीरीज है उनको हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी वो इतना समझ में नहीं आई होगी. उसका रीजन क्या है कि तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन अभी इतना क्लियर नहीं है. एक बार जब तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से फेमिलियर हो जाओगे तो वो तुम्हें ईजी लगेगा. अभी के लिए तो यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूले, जो फॉर्मूला है उनसे ही तुम सॉल्व कर सकते हो. अब हम मूव करते हैं बाइनो बाइनोमियल सीरीज. तो बाइनो बाइनोमियल सीरीज जैसे नाम से ही क्लियर है, बाइनोमियल कोफिशियंट का बाइनोमियल कोफिशियंट से ही प्रोडक्ट है, दोनों ही बाइनोमियल कोफिशियंट है. पहले क्या था, बाइनोमियल कोफिशियंट और एक प्रोग्रेशन थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल दो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दो. अब बाइनो बाइनोमियल सीरीज जो है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक है. तो ये जो सीरीज है इसमें बाइनो बाइनोमियल कोफिशियंट, ये जो सीरीज इसमें देखो, सपोज यहाँ पे एम सी जीरो एन सी आर प्लस एम सी वन एन सी आर माइनस वन एम सी टू एन सी आर माइनस टू अप टू एम सी, देखो ये जीरो वन टू इंक्रीज हो रहा, कहां तक जा रहा है ये, आर तक पूरी, देखो आर आर माइनस वन कम होते होते ही कहां चला जाएगा, जीरो एन सी जीरो. सपोज इस सीक्वेंस सॉरी सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है. यहां देखो दोनों ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट ही है ना. तो इसमें देखो सबसे पहले ये देखो कि ये जो बेसिस है इनका सम कॉन्स्टेंट है तो ही हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बेसिस अगर का सम जो है अगर वो कॉन्स्टेंट है, देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, जीरो प्लस आर आर, वन प्लस आर माइनस वन ये भी आर है, टू आर माइनस टू अगेन आर, आर प्लस जीरो आर. तो ये जो है इनका सम जो है कॉन्स्टेंट आ रहा है, दैट इज व्हाट आर. यहाँ पे हमें दो एक्सपेंशन कंसिडर करना है, एक तो एम है तो मतलब वन प्लस एक्स टू दी पावर एम, दूसरा एक्सपेंशन जो है
वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन वाला कंसिडर करना है, ठीक है। अब क्या दोनों प्रोडक्ट है में है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी, इसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर, सम क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये आर आ रहा है ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एम इंटू वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन। ये कैसे है दैट विल सी लेटर, अभी इतना समझ लो, एंड में इसको प्रूव कर लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर इन वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एम प्लस एन, और वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर एम प्लस एन में एक्स टू दी पावर आर का कोफिशियंट तुम्हें पता है क्या होगा, वो एम प्लस एन सी आर, क्योंकि एम प्लस एन सी आर एक्स टू दी पावर आर आएगा ना, एक्स टू दी पावर आर का कोफिशियंट क्या होगा ये। तो डायरेक्टली जो इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, एम प्लस एन, और ये जो भी सम आ रहा है एम प्लस एन सी आर, ठीक है, ओके। इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एग्जाम्पल, तो इट विल बी मोर क्लियर। सपोज हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखो 0 प्लस 10 10, 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 0 10, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या होगा, 40 प्लस 20 दैट इज व्हाट 60, और यू कैन से दैट 40 प्लस 20 सी सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा अपना 60 C 10। एक और एग्जांपल करते हैं, अभी तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, सपोज एन सी जीरो एन सी एन प्लस एन सी वन एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी टू एन सी एन माइनस टू, अब तो कहां तक एन सी एन, और ये हो गया एन सी जीरो। इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है, तो देखो जीरो प्लस एन एन, वन प्लस एन माइनस वन एन, टू प्लस एन माइनस टू एन, सब एन आ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू ये क्या जाएगा एन प्लस एन दैट इज व्हाट टू एन सी, सम क्या आ रहा है एन, ये क्या आ जाएगा टू एन सी एन। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं थर्ड, सपोज एन सी जीरो का स्क्वायर एन सी वन का स्क्वायर एन सी टू का स्क्वायर, अब तो कहां तक एन सी एन का, इस सीरीज का सम हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअली स्क्वायर है मींस व्हाट, ये क्या दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट ही है, पहले इनको अलग अलग लिखो एन सी जीरो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी वन प्लस एन सी टू एन सी टू, अब तो कहां तक एन सी एन एन सी एन। अब देखो यहां पर सम देखो, जीरो प्लस जीरो जीरो है, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, एन प्लस एन टू एन, सम कॉन्स्टेंट आ रहा है क्या, सबके लिए सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो बाइनोमियल कोफिशियंट है उसमें प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि सम तो जो है वो सबके लिए सेम आना ही चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्या करें, किसी एक में प्रॉपर्टी लगा देते हैं एन सी जीरो, ये सेकंड वाला जो बाइनोमियल कोफिशियंट है इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम
प्रॉपर्टी जो है एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, अगर कॉन्स्टेंट आ जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एन सी जीरो ये क्या होगा, एन सी एन माइनस जीरो, क्योंकि ये वैल्यू सेम होती है ना, ये और ये, प्लस एन सी वन एन सी एन माइनस वन प्रॉपर्टी लगाओ, एन सी टू ये फर्स्ट वाला ऐसे ही रहने दो, सेकंड वाले में प्रॉपर्टी लगाते जाओ। अब टू कहां तक, एन सी एन ये हो जाएगा एन सी जीरो एन माइनस एन, सेकंड वाले सारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनमें मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब देखो अब सम कांस्टेंट आ रहा है क्या, जीरो प्लस एन 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 एन, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, एन प्लस एन टू एन सी, सम क्या आ रहा है एन, तो दिस विल बी द आंसर। ये तो जो है इस सेकंड वाले के जैसा ही हो गया। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल। सपोज ये सम हमें फाइंड आउट करना है, एन सी जीरो एन सी थ्री प्लस एन सी वन एन सी फोर प्लस एन सी टू एन सी फाइव एंड सो ऑन। तो पहले देखो सम, देखो ये क्या थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन, तो सम जो है नहीं आ रहा है, उसके लिए हम क्या करें, किसी एक बाइनोमियल कोफिशिएंट में हम प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है। तो क्या करें, सेकंड वाले में प्रॉपर्टी लगा देते हैं, किसी में भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा एन सी एन माइनस थ्री प्लस एन सी वन एन सी एन माइनस फोर प्लस एन सी टू एन सी एन माइनस फाइव प्लस एंड सो ऑन। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो अब सम कांस्टेंट आ रहा है क्या, एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, सम कांस्टेंट आ रहा तो क्या जाएगा एन प्लस एन सी, सम क्या आ रहा है एन माइनस थ्री, आंसर क्या जाएगा टू एन सी एन माइनस थ्री, इसका जो सम आएगा वो आ जाएगा टू एन सी एन माइनस थ्री, ठीक है। इस पे एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज एन सी जीरो एन सी आर प्लस एन सी वन एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी टू एन सी आर प्लस टू एंड सो ऑन, ठीक है। इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो इसको ट्राई करो क्या आ रहा है। हो गया, देखो यहाँ पे पहले तो सम जो है कॉन्स्टेंट आ रहा है क्या, सेम आ रहा है सबके लिए, नहीं आ रहा है, तो किसी एक में प्रॉपर्टी हमें लगाना पड़ेगी, ये जो है हाँ ये सम जो है कहां तक होगा, एन सी ये कहां एन तक जाएगा ना, एन सी एन तक जाएगा, अगर ये एन तक जा रहा है तो ये हो जाएगा एन माइनस आर, ठीक है। अब देखो आर आर प्लस टू आर प्लस फोर और टू एन माइनस आर, तो इनका सम जो है वो तो कॉन्स्टेंट या सेम नहीं आ रहा है, तो किसी एक में प्रॉपर्टी लगाते हैं, सेकंड वाले में प्रॉपर्टी लगाते हैं एन सी जीरो एन सी एन माइनस आर प्लस एन सी वन एन सी एन माइनस आर माइनस वन प्लस एन सी टू एन सी एन माइनस आर माइनस टू अप टू एन सी एन माइनस आर एन सी जीरो। अब देखो अब सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा सर, एन माइनस आर एन माइनस आर एन माइनस आर एन माइनस आर, तो क्या आ जाएगा ये एन प्लस एन
सी एन माइनस आर, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, टू एन सी एन माइनस आर, दिस विल बी द आंसर.